हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी और रिएक्शन क्वेश्चंट से रिलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वॉल्व कर जो हमने लास्ट के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस लेक्चर में करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P0। तो हमें एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है, 2SO3 डिकम्पोज हो रहा है SO2 में और O2 में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP दिया है। अच्छा, KP निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियली इसका प्रेशर P रहा, इसका जीरो, इसका जीरो, इक्विलिब्रियम प्रेशर हमको कितना दिया है P0। इक्विलिब्रियम प्रेशर हमको P0 दिया है, इनिशियली P प्रेशर मान लिया। अब P में से कितना चला जाएगा, P अल्फा चला जाएगा। यहां पे 2 मोल टूट के इसके 2 मोल बनते हैं, तो P अल्फा, अगर प्रेशर इसका कम हुआ है तो वो P अल्फा यहां चला गया होगा। इसके 2 से 1 बनता है, तो P अल्फा से इसकी वजह से प्रेशर आया होगा P अल्फा बाई 2। ये इक्विलिब्रियम पर बात हो गई। अब KP का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहां से। केपी का एक्सप्रेशन आएगा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन विच इज पी अल्फा बाई 2, यहां पे प्रेशर की केपी की बात करें तो प्रांशियल प्रेशर ले लेंगे, इनटू पी अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन यहां पे SO3 पी इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो P0 दिया है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो ये पी अल्फा, ये पी अल्फा कट जाएगा और यहां पे जो ऐड करने पर मिलेगा P प्लस पी अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू P0 दी हुई है ना। तो P का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2P0 अपॉन 2 प्लस अल्फा। अब P का वैल्यू यहां पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लेता हूं, पी अल्फा बाई 2 इंटू पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर कट गया और यहां से बचा P बाई 2 इंटू अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब P का वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, 2P0 अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू, अच्छा ये P अपॉन 2 यहां पे इंटू अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा और यहां पर जो हमें मिल गया वो मिल गया P0 अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बोला है इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 टू NO2, N2O4 से NO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, 1 प्लस अल्फा वेरीज विद द वेपर डेंसिटी D by D। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कैपिटल डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन है। ये वेपर डेंसिटी इनिशियल है और ये वेपर डेंसिटी फाइनल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप जान लो कि वेपर डेंसिटी इनिशियल को बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इनिशियल को बोलेंगे थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी फाइनल को बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा जो हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ाई की है जिस पर। तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अल्फा इज इक्वल्स टू, मैंने शायद लास्ट वाले लेक्चर में बिफोर डिसोसिएशन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, आफ्टर डिसोसिएशन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्वेंशन बदला है, मतलब कैपिटल डी तो इनिशियली वेपर डेंसिटी है, तो यहां पे फॉर्मूला को मैं फॉर्मूले में जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में स्मॉल डी लिखा था वहीं पे कैपिटल डी लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इनटू एन माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे अल्फा का फॉर्मूला आ गया और हमसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ सही होगा, 1 प्लस अल्फा वर्सेज कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहां से पहले मुझे 1 प्लस अल्फा निकालना होगा, तो 1 प्लस अल्फा दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, डी माइनस डी अपॉन डी इंटू एन माइनस वन प्लस वन, डी माइनस डी प्लस एन डी माइनस डी अपॉन डी इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये बचेगा। ओके, तो यहां से क्या आ गया, डी
माइनस टू डी प्लस एन डी अपॉन डी इंटू एन माइनस वन, वन प्लस अल्फा आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कैपिटल डी, मतलब डिवाइड कर दे रहे हैं अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, माइनस इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा टू अपॉन एन माइनस वन, ये कट जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा एन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अभी एन की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, एक से दो मोल बन रहा है, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन की वैल्यू टू रख दिया, टू माइनस वन वन, टू टू माइनस वन वन, टू अपॉन टू माइनस वन वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये तो कट गया। ठीक है, तो यहां से वन प्लस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और मेरे को ग्राफ जो फाइंड आउट करना है वन प्लस अल्फा वर्सेस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो वाई बराबर इसको वाई रख दो और ये एक्स हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोला है बिफोर इक्विलिब्रियम इज सेट अप फॉर द केमिकल रिएक्शन N2O4 to 2NO2 वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर वाज मेजर्ड इफ कैपिटल डी इज द थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। अब देखिए थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, तो कैपिटल डी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, और वेरिएशन ऑफ अल्फा विद कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज गिवन बाय द ग्राफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी एट पॉइंट ए। तो आप देखिए ग्राफ अगर आप अपने सामने देख रहे हैं तो ग्राफ में देखिए पॉइंट ए पर अल्फा जीरो है, और अल्फा कब जीरो रहता है, इनिशियली जब कोई डिसोसिएशन ही नहीं हुआ होता, और जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो उस समय कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि कोई डिसोसिएशन ही नहीं हुआ, तो बिफोर डिसोसिएशन जो वेपर डेंसिटी होगा वो उसी समय वेपर डेंसिटी रहा होगा, क्योंकि उस समय भी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू वन होनी चाहिए क्योंकि दोनों बराबर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ है फॉर द रिएक्शन N2O4 से NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इफ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4, देखिए N2O4 का परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है कितना, एक बार ही तो 20%, फिर 45%, 65% और 80%। देन द सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, इसको मैं वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन को स्मॉल डी से ही लिख दे रहा हूं, और कैपिटल डी से वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। तो अपने को स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, अपने फॉर्मूला पता है अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, तो यहां से स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डी एन माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी। अब इस डी को इधर ले आते हैं तो डी कॉमन हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल डी, यहां से स्मॉल डी की वैल्यू आ गई डी अपॉन एन माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन। अब यहां पे देखिए डी जो है कहीं ना, अगर अल्फा ज्यादा होगा तो डी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा उसका डी कम होगा, मतलब डी 80% सबसे कम होगा, फिर डी 65% होगा, और फिर डी 45%, और फिर डी 20%, डी 20% सबसे ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल डी और यहाँ पे अल्फा नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा बढ़ेगा तो डी घटेगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन अपने को सही होना चाहिए डी 20, 45, 65 और 80, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं, एन अननोन कंपाउंड ए डिसोसिएटेड 500 डिग्री सेल्सियस टू गिव द प्रोडक्ट एज फॉलो। तो ए कंपाउंड है जो डिसोसिएट हो जा रहा है बी प्लस सी प्लस डी में, सारे गैसेस फेस में है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50 व्हेन इट डिसोसिएट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए। तो यहां पे वेपर डेंसिटी अपने को दे रखा है आफ्टर डिसोसिएशन 50 है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये बिफोर डिसोसिएशन है या आफ्टर डिसोसिएशन है, तो बिफोर डिसोसिएशन तो कितना रहा होगा वेपर डेंसिटी, मोलर मास ऑफ ए अपॉन टू, है ना, क्योंकि जब डिसोसिएशन नहीं होता तो खाली ए ही था,
और वेपर डेंसिटी किसी एक गैस के लिए क्या होती है, उसका मोलर मास का हाफ माइनस स्मॉल डी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो वैल्यू है 50 अपॉन 50 इंटू एन माइनस वन। इसके लिए एन कितना होगा, एक से तीन मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 3 - 1 = 2 और अल्फा का वैल्यू 10%, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा Ma/2 - 50 = 10, Ma/2 = 60, यहां से Ma आ गया मोलर मास ऑफ ए 120, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N2O4 dissociates as N2O4 to 2NO2 at 273 Kelvin and 280 pressure. Equilibrium mixture has a density of 41. What will be the degree of dissociation? तो यहाँ पे अपने को small d 41 दिया हुआ है, अल्फा पूछा गया है क्वेश्चन में और प्रेशर की वैल्यू 280 दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है। तो अल्फा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन। एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 - 1 = 1, तो ये जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे आपको स्मॉल डी दिया हुआ 41, तो डी माइनस 41 अपॉन 41 का वैल्यू अल्फा। अब ये डी क्या है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, तो वेपर डेंसिटी जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो कौन सी गैस थी अपने पास, N2O4, और N2O4 का मोलर मास होता है 96, तो इसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी 92 by 2, विच विल बी 46। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 46 माइनस 41 अपॉन 41, इट शुड बी 5/41, ठीक है, 5/41, और परसेंटेज अल्फा पूछा है तो परसेंटेज डिसोसिएशन है 5/41 × 100, तो ये आएगा 2 से कुछ ज्यादा, तो ये आएगा 10 से कुछ ज्यादा, 10 से ज्यादा तीन ऑप्शंस है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा 41/100, तो ये हो जाएगा 2, फिर 18 बचेगा, फिर ये 2.4, लगभग 2.4 समथिंग ये आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग के हिसाब से जो ऑप्शन अपने को दिखता है सी ऑप्शन है, आंसर शुड बी 12.2%, आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया at 500 Kelvin is 0.061. At a particular time, analysis shows that composition of the reaction mixture is 3 mole per liter N2, 2 mole per liter H2 and 0.5 mole per liter NH3. Is the reaction at equilibrium? If not, in which direction does the reaction tend to proceed at to reach equilibrium? अच्छा ठीक है, तो क्यों निकाल लेते हैं इस टाइम पर, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला है क्यों निकाल लेते हैं, तो क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यू। तो यहाँ पे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे गई है हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 3, तो 3, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 2, तो 2 का क्यू, तो आ जाएगा 1/4 × 3 × 8, तो आ जाएगा 1/32 × 3, और जो K दिया है रिएक्शन का वो है 0.061। अब अपने को चेक करना है Q और K में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी 61/1000, है ना, तो इतना हो जाएगा, और ये कितना हो गया है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 61 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इस वाले में, तो 61 और ये कितना हो गया 6, 9, 96 हो चुका है ये ऑलरेडी, और 61 से मल्टीप्लाई करने पर ये, अब 96 × 61, अब देखिए 96 × 61 है, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा 1000 से काफी ज्यादा होगा ये, तो 1000 से काफी ज्यादा होगा, इसका मतलब देखिए नीचे वाला यहां पर छोटा है, यहां पर नीचे वाला बड़ा है और न्यूमरेटर सेम है, तो नीचे वाला जितना छोटा होगा उतना फ्रैक्शन बड़ा होगा, और नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना फ्रैक्शन छोटा होगा, तो क्यू बहुत ही छोटा है, के बहुत बड़ा है,
तो के इज ग्रेटर देन क्यू, इसका मतलब अभी रिएक्शन पीछे है, उसको के तक आना पड़ेगा, तो रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, तो वो आगे आती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई टू डिसोशिएट एज एक्स वाई टू से एक्स वाई और वाई का फॉर्मेशन हो रहा है, इनिशियल प्रेशर एक्स वाई टू का दिया है 600, The total pressure at equilibrium is 800. Assume volume of system to remain constant. Kp की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक dissociation दिया है xy2 से xy plus y का formation हो रहा है। इसका initially pressure 600, इसका zero, 600 minus 600 into alpha, और यहाँ पे भी 600 alpha, और यहाँ पे भी 600 alpha. ये equilibrium पर total pressure लिख लेते हैं, तो total pressure हो जाएगा, इस तीनों को add कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमें जो मिलने वाला है 600 प्लस 600 अल्फा इज इक्वल्स टू 800, तो यहां से 600 अल्फा इज इक्वल्स टू 800 माइनस 600 200, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, तो यहां से हमें अल्फा 1/3 मिलेगा, और अल्फा 1/3 का मतलब है, अच्छा केपी निकालना, सॉरी, तो केपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, 600 अल्फा इंटू 600 अल्फा अपॉन 600 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 600 कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1/9 इंटू 600 अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 3 ऊपर आ जाएगा, 3/9 1/3 इंटू 600, और ये हो जाएगा 200 अपॉन 2 विच इज 100, तो आंसर शुड बी 100, 100 इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2 एट 2000 केल्विन एंड 10 atm प्रेशर, परसेंटेज Cl2 एंड परसेंटेज SO2 इज इक्वल विच इज 40 बाई वॉल्यूम, देन चार ऑप्शंस बताने हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है SO2 और Cl2 में, यहाँ पे हम अपने को परसेंटेज Cl2 और परसेंटेज SO2 बराबर दिया हुआ है 40% बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, और यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइडेड है, इनिशियली प्रेशर है पी इनिशियल 10 atm, तो 10 atm का प्रेशर है, अच्छा नहीं ये पी इनिशियल नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर होना चाहिए, मतलब जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसमें जो टोटल प्रेशर है वो है 10 atm, ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 40%, अब देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम पर इसका वॉल्यूम अगर मान लीजिए 40 है, इसका वॉल्यूम भी 40 होगा और इसका वॉल्यूम 20 होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो है 10 atm, पर आपको पता होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एंड मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहां से मैं कह रहा हूं 10 atm का प्रेशर है और इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका मतलब इनके मोल्स बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का प्रेशर बराबर रहा होगा। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 10 atm में से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल इक्वल देते हैं और यहां पर दो, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर 4 atm होना चाहिए, यहां पर 4 atm होना चाहिए, यहाँ पे 2 atm का प्रेशर होना चाहिए क्योंकि टोटल 10 atm है। अभी मुझे इसका केपी चाहिए, मान लो तो केपी निकाल लेते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर, तो ये आ जाएगा 8, तो केपी आ जाएगा 8, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, केपी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं सही हो सकता क्योंकि केपी 8 आ चुका है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2, अगर ये दो मोल है तो SO2 के कितने मोल होंगे, 4, तो 2/4 होना चाहिए 1/2, जो कि सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि 1/4 दिया हुआ है। डी ऑप्शन में मोल्स तीनों के बराबर है, जी नहीं ऐसा नहीं है, मोल्स बराबर नहीं होंगे तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मोल ऑफ PCl5 अंडरगोस थर्मल डिसोसिएशन एज PCl5 टू PCl3 प्लस Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इज 0.5, टोटल प्रेशर इज 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 और Cl2 में, इसके ए मोल लिए गए हैं और अपने को बोला है कि मोल फ्रैक्शन PCl3 का इक्विलिब्रियम पर 0.5 है, टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है
पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू कितना होगा। अब देखिए अगर इसके ए मोल है तो ए में से ए अल्फा चला जाएगा, यहां पे ए अल्फा और यहां पे ए अल्फा मिलेगा। अगर आप यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल थ्री देखें तो वो आएगा ए अल्फा अपॉन टोटल मोल्स, यहां पे टोटल मोल्स होंगे ए प्लस ए अल्फा, ए प्लस ए अल्फा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सीएल टू देखेंगे तो वो भी कितना आने वाला है ए अल्फा अपॉन ए प्लस अल्फा, ए प्लस ए अल्फा। इसका मतलब अगर अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल थ्री दिया हुआ है 0.5 तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सीएल टू भी कितना होना चाहिए 0.5। तो यहां पे एक चीज तो समझ में आ गई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सीएल टू कितना होगा 0.5। ठीक है, अब देखिए अपने को चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू क्वेश्चन में शायद, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर इन टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज 0.5, तो आंसर शुड बी 1, जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 600 केल्विन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। द मिनिमम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, यहां पे एक इक्विलिब्रियम की बात की है, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। केपी दिया है 2.25 atm। इसमें बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, वॉल्यूम जो है वेसल का वो 1 लीटर है और टेम्परेचर है 600 केल्विन। मिनिमम वेट कितना होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का जिससे कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में, तो केपी का वैल्यू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो केपी का वैल्यू दिया हुआ है 2.25, तो यहां से अपने को पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिल चुका है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर मिल चुका है CO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू NRT लगा रहा हूं, NRT अपॉन V, या तो मैं सीधे यहां से मोल्स निकाल लेता हूं, मोल्स बराबर क्या हो जाएगा PV अपॉन RT। तो यहां से मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा NCl2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CL2 नहीं है, ये CO2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन R into T। वॉल्यूम अपने को दिया है 1 लीटर, प्रेशर यहां से हमने निकाल लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2.25, अपॉन R की वैल्यू 1/12 रख देंगे, इंटू टेम्परेचर कितना दिया 600 केल्विन, तो आ जाएगा 50, और 2.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 9/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपने को वेट ऑफ मिनिमम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो जितने मोल्स CO2 के रहे होंगे उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मोल सही होंगे, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड कितने होंगे 9/200। ठीक है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर्ड रहेगा 9 × 200 × 100। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका वेट 100 होगा, आप मोलर मास की बात कर रहा हूं मैं, तो 9/2 आंसर होना चाहिए 4.5, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी करेक्ट चॉइस है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 mole of N2O is kept in a closed container along with gold catalyst at 450 Kelvin under 1 atmospheric pressure. तो देखिए N2O को सबसे पहले हमने रखा है 450 Kelvin और 1 atm pressure पर। अब इसको हीट कर दिया गया 900 Kelvin पर, और जब इसको हीट कर दिया गया 450 से 900 तक, तो ये डिसोशिएट हो जाता है किसमें N2 और O2 में, सो बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो ये डिसोशिएट हो जाता है 900 केल्विन पर, पहले प्रेशर 1 एटीएम था और जैसे ही 900 केल्विन का टेम्परेचर इसके लिए लगाया गया तुरंत इसका प्रेशर भी बदल गया होगा और ये डिसोशिएट हो जा रहा है उस समय, तो ये कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहेगा,
तो हम लगा देंगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो पी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन टी टू लिख सकता हूँ। टी वन वन है, टी वन 450 है, पी टू पता नहीं और टी टू पता है 900 है, तो यहां से पी टू का वैल्यू आ गया 2 ATM। मतलब जब ये डिसोशिएट करना स्टार्ट किया होगा उस समय प्रेशर 2 ATM हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन है 2N2O से लेके N2+O2, इसमें इनिशियली प्रेशर कितना है 2 ATM, 0 0, 2 - 2 अल्फा, 2 अल्फा और यहां पे अल्फा, और फाइनली जो इक्विलिब्रियम प्रेशर हो जा रहा है वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 2.4 ATM, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 2+ अल्फा बराबर 2.4, तो अल्फा आ जाएगा 2.4 - 2.4, तो यहां से परसेंटेज अल्फा निकाल लेंगे 0.4 × 100, यह आ जाएगा 40%। तो 40% के हिसाब से हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशियो ऑफ केपी अपॉन केसी फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन है CO+ ½ O2, सारे गैसेस फेस में 2 CO2, बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। केपी अपॉन केसी होता है आरटी की पावर डेल्टा एनजी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या होगा, 1 - 1+1/2, यहां से आ जाएगा -1/2, तो यहां पे लगा देंगे आरटी की पावर -1/2, मतलब 1/√RT, तो इसके हिसाब से ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए से टू बी एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है, और एक इक्विलिब्रियम दिया है सी से डी प्लस ई और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी डैश। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड सी आर सेम, इसके लिए जो अल्फा है वही इसके लिए भी है, और केपी और केपी डैश में रिलेशन दिया हुआ है, केपी इज इक्वल्स टू 2 KP-, तो आपको बताना है टोटल प्रेशर पी और पी डैश का रेशियो। यहां पर टोटल प्रेशर पी है और यहां पर टोटल प्रेशर पी डैश है। तो देखिए इस वाली रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट वाली रिएक्शन को। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में इनिशियली मान लीजिए प्रेशर P1 रहा होगा, तो P1 में से इक्विलिब्रियम आते आते P1 अल्फा चला गया होगा और यहाँ पे 2P1 अल्फा मिल गया होगा। यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए इनिशियली प्रेशर P2 रहा होगा और P2 में से P2 अल्फा चला जाएगा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यहाँ पर आपको P2 अल्फा मिलेगा और यहाँ पर भी आपको P2 अल्फा मिलेगा, तो यहां पर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा पीटी इस वाले केस में, और यहां पर टोटल प्रेशर यहां पर पी और पी डैश है, तो इसको पी बोल देते हैं, इसको पी डैश बोल देते हैं, तो पी कितना हो जाएगा ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा P1+P1 अल्फा, और आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा P2+P2 अल्फा। आपको चाहिए इनका रेशियो, तो अब रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो निकालने में हमें एक रिलेशन प्रोवाइडेड है केपी और केपी डैश में, तो वहां से P1 और P2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, वो निकाल लेते हैं केपी और केपी डैश का यूज करके। तो इस वाली रिएक्शन के लिए जो केपी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, बी का पार्शियल प्रेशर का होल स्क्वायर, और बी का पार्शियल प्रेशर ये रहा, तो 2P1 अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4P1² अल्फा² अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है P1 × 1 - अल्फा, ठीक है, केपी हो गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूँ केपी डैश, तो केपी डैश इसका कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इज P2 अल्फा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज P2 अल्फा अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी विच इज P2 × 1 - अल्फा। ये तो इसका केपी डैश हो गया और ये 2 टाइम्स है, तो 2 यहां पर रख दिया। अब यहां पे ये 1 - अल्फा कट जाएगा, यहां से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 × 2 = 4 और यहां से आ जाएगा 2P1² = P2², ठीक है। अच्छा ये भी कट जाएगा, P1 कट जाएगा, P2 कट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 2P1 = P2। अब यहां पे P2 की जगह 2P1 यहां पर रख दो, तो ये हो गया P1 × 1 + अल्फा और ये हो गया P2 × 1 + अल्फा, तो P2 की जगह क्या रख दूंगा 2P1 × 1 + अल्फा, 1 + अल्फा कट जाएगा और यहां से ये P1 आंसर आएगा 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 1/2 के सबसे ए ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के लिए ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
N2O4 से 2NO2 का इक्विलिब्रियम है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है. रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टेट ग्राफिकली शो इन द फिगर. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 1, 2 एंड 3. तो यहां पर एक अपने को ग्राफ बताया गया है, मैं बना देता हूं उसको. इस तरीके से ग्राफ प्रोवाइडेड है, ठीक है. पॉइंट्स, पॉइंट ए, यहां पे बी है, इस एक्सिस पर टाइम है और यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन. ये पॉइंट सी, ये डी, ये एफ, ये ई और ये जी. तो देखिए कुछ ऑप्शंस, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं. पहला स्टेटमेंट, रिएक्शन कोशेंट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ए. तो ए पर, मतलब ए तो टी बराबर जीरो पर है, टी बराबर जीरो पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, जीरो. तो उस समय क्यू कितना होगा, जीरो. तो मैक्सिमम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है रिएक्शन प्रोसीड्स लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट. अच्छा देखिए, लेफ्ट से राइट कब जाती है रिएक्शन? लेफ्ट से राइट बोलने का मतलब है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कब जाएगी? जब क्यू छोटा होगा और केसी बड़ा होगा. तो यहाँ पे इन्होंने N2O4 और NO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है और बोल रहे हैं इस समय लेफ्ट से राइट जाएगी रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम है N2O4 से 2NO2 और क्यू किसी भी टाइम पर लिखूंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 NO2 0.1 दिया है, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.1. तो यहां से आ जाएगा 0.1. केसी के साथ कंपैरिजन करते हैं. केसी 4 दिया है, तो 4 बहुत ज्यादा है. तो केसी का वैल्यू ज्यादा है क्यू से. तो अगर केसी का वैल्यू क्यू से ज्यादा होगा तो लेफ्ट से राइट जाएगा. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट, केसी बराबर क्यू व्हेन डी और एफ इज रीच. देखिए डी और एफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जा रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा और क्यू केसी के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पर. तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर होगा बी. बी में बोला है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इक्विलिब्रियम NH3 से N2 और H2 हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, NH3 इज फाउंड टू बी 20% डिसोसिएटेड, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम टू द मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम. रिएक्शन प्रोवाइडेड है, अमोनिया ब्रेक हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में और इक्विलिब्रियम आते आते इसके 20% डिसोसिएट हो गए. तो मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 मोल्स थे, तो 100 में से कितना चला गया, 20. 2 से 1 जाता है तो यहाँ पे 10 और 2 से 3 तो 20 से 30. तो देखिए टोटल मोल्स इस समय इक्विलिब्रियम पर कितने होंगे, 80 प्लस 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 120. तो इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज 120 अपॉन मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज 80. तो यहां से आ जाएगा 3/2 व्हिच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2NO इज 4×10⁻⁴ एट 2000 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. The equilibrium is attained 10 times faster. The equilibrium constant, the presence of catalyst at 2000 Kelvin is. तो देखिए equilibrium constant को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप catalyst use कर रहे हैं कि नहीं use कर रहे हैं. तो equilibrium constant वही रहेगा catalyst के absence में भी और presence में भी. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए B, 4×10⁻⁴. Next question, at 250 degree Celsius, vapor density of PCl5 is Y. And molar mass is Q. Its degree of dissociation is then equals to. तो equilibrium पर PCl5, देखिए PCl5 decompose होता है PCl3 और Cl2 में. तो यहाँ पर बोला है कि vapor density equilibrium मतलब after dissociation. तो alpha is equals to d minus d upon d into n minus 1. यहाँ पे small d का value y दिया है. n होगा यहाँ पर 1 से 2 मोल बन रहे हैं तो 2 minus 1. और यहाँ पे ये हो जाएगा बिफोर डिसोसिएशन. तो मोलर मास ऑफ PCl5/2 और मोलर मास क्यू दिया है इन्होंने तो Q/2. तो ये हो जाएगा Q-2y/2y2-1. तो आंसर होगा Q-2y/2y विच इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, X2+Y2 से 2XY रिएक्शन वाज स्टडीड एट सर्टेन टेम्परेचर. In the beginning, 1 mole of X2 was taken in 1 liter flask and 2 mole of Y2 was taken in another 2 liter flask. And both these containers are connected, so equilibrium can be established. What is the equilibrium concentration of X2 and Y2 given equilibrium concentration of XY?
देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि इनिशियली एक्स टू और वाई टू था आपके पास और उससे आप टू एक्स वाई बनाना चाह रहे हैं। एक कंटेनर में आपके पास वन मोल एक्स टू के थे एक लीटर फ्लास्क में और दो मोल वाई टू के थे अनदर कंटेनर में दो लीटर फ्लास्क में, और जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो वॉल्यूम क्या हो गया कॉमन, तो इसके लिए भी वॉल्यूम हो गया 3 लीटर और इसके लिए भी वॉल्यूम हो गया 3 लीटर। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1/3 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई मोल्स अपॉन वॉल्यूम 2/3। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन रही नहीं होगी, जीरो रही होगी। अब बोला है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स टू एंड वाई टू। अब देखिए 1/3 में से अब यहाँ पे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है, मोल्स को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 1/3/1, 2/3/1 और जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया एक्स टू, तो 1/3 में से 1/3 अल्फा चले गए। जब आप एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लोगे उसके बाद आपको सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, मतलब इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो इसके मान लिए 1/3 अल्फा मोल रिएक्ट कर गए तो इसके कितने करेंगे 1/3 अल्फा। ठीक है, एक से दो बनता है तो यहां पे बनेगा 2α/3। अब आगे इन्होंने क्या पूछा हुआ है, अच्छा एक्स टू वाई टू की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एक्स वाई की दे रखी है, तो 2α/3 की वैल्यू है 0.6, तो यहां से अल्फा आ गया 0.9। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स टू लिख लेते हैं 1/3 माइनस अल्फा विच इज 0.9/3 विच विल बी 0.3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई टू लिख लेते हैं 2/3 माइनस अल्फा विच इज 0.9/3 विच शुड बी 2/3-0.3, तो यहां से आएगा 1/3-0.3 और 2/3-0.3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया डिसोशिएट्स इनटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन सच दैट डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इज वेरी लेस देन 1। देखिए डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। एन इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी नॉट, वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन है, अमोनिया डिसोशिएट हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और इसका जो केपी दिया गया है आपको वो दिया है 27×10⁻⁸ पी नॉट का स्क्वायर। P नॉट है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर, तो मान लीजिए इनिशियली प्रेशर P रहा होगा तो P में से कितना चला गया P अल्फा, 2 से 1 तो P अल्फा से P अल्फा बाई 2, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा N2 और ये 3S2, तो P अल्फा यहाँ पे कितना 3P अल्फा/2। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल प्रेशर का वैल्यू P नॉट दिया है तो यहाँ पर हम सारे प्रेशर को ऐड कर लेते हैं, 1/2, 3/2 हो जाएगा 2 और 2-1, 1 ये आ जाएगा, ऐड करने पर टोटल प्रेशर आएगा P+P अल्फा और इसकी वैल्यू हमें दी है P नॉट, तो यहां से P का वैल्यू आ गया P0/1+α। अब इसका केपी लिख लेते हैं, तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है 3/2P अल्फा, इसका क्यूब कर लेते हैं 27P³α³/8 इनटू कौन सा, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो वो दिया है P α/2 अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो P²×1-α² यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ये करेंगे, अल्फा इज मच मच लेस देन 1 तो इसका मतलब 1+α रहे चाहे माइनस अल्फा रहे इसकी वैल्यू हम 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं, तो 1-α का वैल्यू 1 रख देते हैं, यहाँ पे P² तो ये बचेगा P और यहाँ पे 1 नीचे 1 और ये होगा 27/8, 8×2=16 P²α⁴। ठीक है, इतना आ गया। अब P का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो वो जाएगा 27/16 P² मतलब P02 अपॉन 1+α का होल स्क्वायर, और 1+α की वैल्यू 1 रख देंगे तो इसको हटा ही देते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा α⁴ बस। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया 27×10⁻⁸ P02, तो इसको भी बराबर कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर है ना, तो देखिए ये दोनों बराबर है तो 27 कट जाएगा, P02 कट जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली आएगा क्या,
अल्फा की पावर 4, 16 इधर, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 विच विल बी 0.02। तो जो कि ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया है, तो सी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट सर्टेन टेम्परेचर इज 30, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट दिस टेम्परेचर। देखिए स्मॉल डी 30 दिया है, कैपिटल डी आप निकाल लेंगे N2O4 का, N2O4 का मोलर मास होता है 92, तो इसका वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन होगा अपॉन टू विच शुड बी 46, तो डी का वैल्यू है 46, अल्फा का 46 माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस 1, N2O4 से 2NO2 का फॉर्मेशन होगा 1 से 2 मोल, इसका मतलब N किया जाएगा 16 अपॉन 30 इंटू 1, तो परसेंटेज अल्फा निकाल लेते हैं 16 अपॉन 30 इंटू 100 किया जाएगा 160/3, 53 point something आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 1.23 एटीएम ऑफ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, SO3 इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू SO2 एंड O2, तो यहां पे SO3 का डिसोसिएशन हो रहा है SO2 और O2 में, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अपने को दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियली टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, तो मैंने मान लिया इनिशियली प्रेशर पी रहा होगा 0 0, पी माइनस पी अल्फा, यहाँ पे पी अल्फा और यहाँ पे पी अल्फा बाई 2, तो टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पी प्लस पी अल्फा बाई 2, ये अपने को 1.23 दिया है। ठीक है, एक और चीज अपने को दिया है यहाँ पर डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, शायद से तो लीटर में यहाँ पे 0.9 ग्राम पर लीटर, तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर, 1 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन हमने बना ली यहां से, एक और चीज यहां पे समझनी पड़ेगी अपने को, डेंसिटी निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम पर इसका मास चाहिए, इसका मास चाहिए और इसका मास चाहिए, इसका मतलब अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स, इसके मोल्स, इसके मोल्स होंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 तरीके हैं निकालने की, निकालते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसको 1000 केल्विन लिख लेते हैं। अब मान लीजिए इनिशियली इसका प्रेशर तो पी है, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहा हूं SO3 गैस के ऊपर, तो इनिशियली प्रेशर पी है, तो इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं मैं यहां से, एन इज इक्वल्स टू पी, वॉल्यूम 1 माना हुआ है अपॉन आर, आर 1/12 हो जाएगा, टी का वैल्यू 1000, तो यहां से आ गया 12p अपॉन 1000, तो ये हो गए इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स किसके, SO3 के। अब यहाँ पे SO3 से डिसोसिएशन हो रहा है SO2 और हाफ O2 में, तो इनिशियली अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास थे 12p अपॉन 1000, तो यहाँ से 12p अपॉन 1000 में से कुछ चले जाएंगे, तो ये कितने चले जाएंगे, 12p अपॉन 1000 इंटू अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, SO2 के कितने मिलेंगे 12p अपॉन 1000, ठीक है, इंटू अल्फा, और यहां पे कितना मिलेगा 6p अल्फा अपॉन 1000 हाफ, तो यहां तक तो हमने कर लिया, अब मैं यहां पर कर दे रहा हूं। अब देखिए आप, तो हमारे पास मास ऑफ SO3 कितना आ गया इक्विलिब्रियम पर, तो हम मास ऑफ टोटल मास निकाल लेते हैं, तो टोटल मास इक्विलिब्रियम पर, तो टोटल मास निकालने के लिए SO3 के मोल्स इंटू इसका मोलर मास, तो 12p अपॉन 1000 कॉमन ले लेते हैं इनटू 1 माइनस अल्फा, ये तो इसके मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर, इनटू इसका मोलर मास कितना होगा SO3 का, सल्फर का 32 और इसका 16, तो 16 इनटू 3 48 और 32, तो ये आ जाएगा 80, SO2 का मोलर मास से इसके मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 12p अल्फा अपॉन 1000 इनटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32 64 प्लस इसका 6p अल्फा अपॉन 1000 मोल है इनटू मोलर मास है 32। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, तो यहां पर देखिए आप, यहां पे
यहां से आप इसको ना ऐसे सोचो, ये लिखा है 16 इंटू टू, तो ये 2 यहां चला जाएगा, 6 इंटू टू 12, तो 12 पी अल्फा अपॉन 1000, और ये 2 जब जाएगा यहां पे तो ये भी हो जाएगा 12 पी अल्फा अपॉन 1000, और बचा यहां पर 32, तो ये दोनों पार्ट कॉमन है, और 64 इन दोनों को ऐड कर रहा हूं बेसिकली मैं, 64 32 जुड़ जाएगा, सॉरी 64 और 16 जुड़ जाएगा फिर, है ना, 64 और 16 जुड़ जाएगा तो 80 बन जाएगा। तो यहां से देखिए ये पूरा मिलके क्या हो गया है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये पूरा मिलके क्या हो गया, 12 पी अल्फा अपॉन 1000 इंटू 80, ठीक है। अब यहां से 12, अच्छा यहां पे इंटू 80 यहां पे पहले से ही था, तो यहां पे देखिए अब क्या करते हैं, 12 पी अल्फा अपॉन 12 पी अपॉन 1000 इंटू 80 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस 1, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये अल्फा अल्फा कट गया, तो यहां से टोटल मास आ गया हमारे पास कब, इक्विलिब्रियम पर। मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ये रब कर देता हूं। अब देखिए टोटल मास आ गया और वॉल्यूम तो एक ही लीटर है, तो जो टोटल मास है वही डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, और डेंसिटी अपने को कितनी दी है, 0.9, तो हमने यहां पे टोटल मास को डेंसिटी के बराबर कर दिया, और यहां से पी की वैल्यू निकल के आ गई 90 अपॉन 12 इंटू 8। अब यहां पे देखिए जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें हमने पी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहां से अल्फा कुछ ऐसे आ गया, 45 अल्फा अपॉन 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1.23 माइनस 90, और 12 इंटू 8 की वैल्यू रख देते 96, तो यहां से आ जाएगा 45 अल्फा अपॉन 96 इज इक्वल्स टू 1.23 माइनस 90 अपॉन 96। तो यहां से जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो लगभग 0.6 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए 2/3, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस वाले लेक्चर में हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वेपर डेंसिटी पर, रिएक्शन क्वेश्चन पर, और किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस इसी लेक्चर में कवर हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक मेजर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल पर पहले तो थ्योरेटिकल सेक्शन को कवर करेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस उसी लेक्चर में ले लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होपफुली लास्ट लेक्चर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम के।